हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कोलू की सावजी रसोई आज हम एक नाश्ता बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी होगा सभी को बहुत पसंद भी आएगा इसमें हम वेजिटेबल भी डालने वाले हैं मतलब ये हेल्दी भी होगा तो चलो बनाते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आधा कटोरी मटर के दाने लिए हुए हैं ये फ्रेश मटर के दाने हैं इसको मैं बारीक कर लूँगी और यहाँ पे अभी मैंने पाँच छः ब्रेड लिए हुए हैं ये तीन चार दिन से पड़े हुए थे तो मैं यही यूज कर रही हूँ इसको मैं मिक्सी के पॉट में डाल के इसको बारीक कर लूंगी ये ब्रेड क्रम सब मैं ये मिक्सिंग बाउल में निकाल रही हूँ अभी इसी में मैं डाल दूंगी जो मटर हमने बारिक दरदरा करके रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ एकदम बारिक पेस्ट नहीं करनी है मटर की उसको दरदरा दर, ही रखना है उसके साथ ही मैं उसमें डाल रही हूँ एक कटोरी गाजर जो मैंने कीस के रखा था और एक बारिक कटा हुआ प्याज थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया दो तीन हरी मिर्च इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल दूंगी एक उबला हुआ आलू तो ये उबला हुआ आलू मैं हाथ से मैश करके डाल रही हूँ अभी हम इसमें मसाले डालते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक चम्मच तिल ये तिल की टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छी लगती है उसके साथ ही इसमें मैं डालूंगी अभी वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमने हरी मिर्च पहले से डाली है इसलिए थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर डालनी है और एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला जो कि इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़ा देगी तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच डाला है पाव भाजी मसाला आप चाहे तो मैगी मसाला भी डाल सकते हो इसके साथ ही मैंने डाल दिया इसमें स्वादानुसार नमक अब इसको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसको हाथ से ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अभी ताकि पूरे इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स हो जाए ये पूरे इंग्रेडिएंट मिक्स हो चुके हैं अब हम इसमें बाउंडिंग के लिए डाल देंगे आधा कटोरी चावल का आटा चावल के आटे से यह नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा यह ऊपर से बहुत क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट और बहुत टेस्टी भी बनेगा इसको अभी हम एक डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे ये देखो ये अच्छे से डो के जैसे बन रहा है इसको हम ऐसे बांध के देखेंगे तो वो लड्डू जैसे बन जाएगा मतलब ये हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट ऐसे तैयार हो चुका है अब मैंने हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लिया है और हाथ में ये मिक्सचर लेके मैं इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स तैयार करके रख दूंगी। आप चाहे तो इसको पैटिज के जैसे भी बना सकते हो मैं ऐसे ही हाथ से ही इसके बॉल्स तैयार करके रख दूंगी ऐसे ही मैंने हाथ से पूरा नाश्ता तैयार करके रख दिया है ये छोटे छोटे बॉल्स मैंने तैयार करके रख दिए हैं बहुत ही मस्त दिख रहे हैं अभी हमें इसको पकाना है तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें ये बॉल्स डाल देंगे और इसको गरम तेल में डालने के बाद गैस एकदम कम कर देना है एकदम धीमी आंच पे हमें इसको पकाना है नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे इसलिए गैस कम करके इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाना है जब ये एक तरफ से थोड़े कड़क हो जाए तब उसको चम्मच से ऐसे अलट पलट करके पूरा ब्राउनिश होने तक के हमें अच्छे से पकाना है जब ये अच्छे से ब्राउनिश हो जाए तभी ये बहुत ही मस्त क्रिस्पी लगते हैं ये देखो इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है बहुत मस्त दिख रहे हैं ये अच्छे से पक चुके हैं अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में मस्त कलर आया हुआ है इसका बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं अब हम बाकी के जो बचे हुए बॉल्स थे वो भी एक एक डाल के उसको भी हम अच्छे से पका लेंगे ये बॉल्स भी पक चुके हैं अब हम इनको भी निकाल लेंगे प्लेट में आप चाहे तो ये बॉल्स तैयार करके रख सकते हो और जब भी आपको खाना हो तब तल के खा सकते हो ये दो चार दिनों तक फ्रीज में रह सकते हैं। ये देखो ये हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है कितना मस्त दिख रहा है ये बहुत ही क्रिस्पी लगता है बहुत टेस्टी भी रहता है ये देखो कितने मस्त दिख रहे हैं ये बॉल्स बच्चों को भी ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा बहुत चटपटा रहता है देखो कितना मस्त पक चुका है अंदर से देखो एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से एकदम करारा ये आप चाहे टोमेटो सॉस के साथ खाओ या ग्रीन चटनी के साथ खाओ बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए